आज हम बनाएंगे सोया चंक्स। इसको हमने एक कटोरी लिया है। इसके बाद इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसको हमने छन्नी में छान लिया, फिर इसको एक बार हम फिर से पानी से धो लेंगे और फिर छान के इसको रखेंगे। इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, इसको हमने पानी भिगोया था जिसको कि हमने छान के रख लिया है। और आइए शुरू करते हैं। फ्राई लिया है, इसमें डालेंगे घी, जीरा, प्याज, दाल डाल दूंगी। अच्छे से फ्राई करना है, इसको कैप्सिकम, तक हम एक चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर जिसको कि हम पानी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे सोया चंक्स, डालेंगे अच्छे से, सारी सब्जियाँ मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस। हम डालेंगे विनेगर। तो हमने कॉर्नफ्लोर का वो बनाया था घोल के, उसको अब हम डालेंगे। ये हो चुका है, गैस ऑफ कर देंगे हम। रेडी हो चुका है। इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा राइस के संग खा सकते हैं।